हेलो स्टूडेंट्स आई एम डॉक्टर विनोद कामले इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी द स्टेजेस इन डेटा प्रोसेसिंग डेटा प्रोसेसिंग का मीनिंग क्या होता है वो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में देखा है जहां पे हमने देखा था कि रिसर्चर जब डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में वो डेटा को वो उनको जैसे वो इन्फॉर्मेशन यूजफुल होगा उस फॉर्म में कन्वर्ट करते तो उसको डेटा प्रोसेसिंग बोला जाता है और ये डेटा प्रोसेसिंग में टोटल पांच स्टेजेस हो सकते हैं पहला होता है एडिटिंग फिर कोडिंग देन क्लासिफिकेशन उसके बाद में है टेबुलेशन और फिर लास्ट में है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अभी ये पांच स्टेजेस जो है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं सबसे पहला स्टेज होता है एडिटिंग नाउ एडिटिंग में क्या होता है कि रिसर्च का जो क्वेश्चन एरिया जो शेड्यूल होता है उसको यहाँ पे एडिट किया जाता है मतलब वो जो क्वेश्चन है उसको चेक किया जाता है और उसके अंदर कोई एरर है क्या या कोई ओमिशन है क्या वो डिटेक्ट करके करेक्ट किया जाता है जैसे कि सपोज आपने रिस्पोंडेंट्स को रिसर्च का क्वेश्चनर दिया था वो उन्होंने फिलअप करके आपको वापस दिया फिर आप लोग वो क्वेश्चन को एक बार चेक करोगे और देखोगे कि रिस्पोंडेंट ने प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया है कि नहीं काफी बार क्या होता है रिस्पोंडेंट जो होते हैं वो प्रॉपर रिस्पॉन्सेज देते नहीं है उसमें वो कुछ रिस्पॉन्सेज जो होते हैं उसमें एरर करते हैं मतलब प्रॉपर वो इन्फॉर्मेशन को फिलअप नहीं करते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन को वो ओमिट करते हैं मतलब वो उसमें टिकमाक ही नहीं करते हैं या वो इन्फॉर्मेशन को फिलअप ही नहीं करते हैं तो ऐसी जो क्वेश्चन जिसके अंदर काफी सारे मिस्टेक्स है या जिसमें कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा है वो क्वेश्चन के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होता है रिसर्चर बाद में फिर क्या कर सकते हैं वो क्वेश्चनअर को डिस्कार्ड कर सकते हैं तो रिसर्चर जब भी रिस्पॉन्डेंट से क्वेश्चनअर लेते हैं तो वो क्वेश्चन को एक बार चेक करना चाहिए कि वो क्वेश्चन के अंदर कोई एरर तो नहीं है ना या कोई ओमिशन तो नहीं है ना और अगर इनकेस उनको पता चलता है कि वहां पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है या किसी इन्फॉर्मेशन को रिस्पोंडेंट ने फिलअप नहीं किया है तो रिसर्चर जो है वो रिस्पोंडेंट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो जो एरर है उसको करेक्ट करवा सकते हैं या जो ओमिजन है उसका रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पोंडेंट से ले सकते हैं तो इस तरीके से एडिटिंग मतलब क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन होता है उसको चेक करना और उसके अंदर कोई एरर या कोई ओमिजन वगैरह होगा तो उसको डिटेक्ट करके करेक्ट करना सो so, ये जो एडिटिंग होता है उसके अंदर जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कंप्लीटली स्क्रूटिनाइज किया जाता है रिसर्च इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है कि डेटा कलेक्ट करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज किया है जैसे कि क्वेश्चनर हो सकता है या फिर आप लोग दूसरा कोई भी मेथड यूज कर सकते हो डेटा कलेक्ट करने के लिए तो ये जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है इसको कम्प्लीटली यहाँ पे स्क्रूटिनाइज किया जाता है और वो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट में या क्वेश्चन के अंदर जो भी एरर होता है या जो भी इनकम्प्लीटनेस होता है या जो भी गैप होता है उसको आइडेंटिफाई करके मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है ताकि आपका डेटा जो है वो एरर फ्री हो कंप्लीट हो और उसके अंदर कोई भी गैप ना रहे ना रिसर्चर जो होते हैं वो डेटा कलेक्शन के लिए अलग अलग मेथड्स यूज कर सकते हैं जैसे कि वो लोग ऑब्जर्वेशन से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं या इंटरव्यू से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं या क्वेश्चन के थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कोई भी डेटा कलेक्शन के लिए जो मेथड रिसर्चर्स यूज करते हैं उसमें वो लोग जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो रॉ फॉर्म में होता है तो भले ही कोई भी डेटा कलेक्शन के लिए मेथड यहाँ पे रिसर्चर ने यूज किया है हर एक जो डेटा कलेक्शन का मेथड होता है उसमें से रिसर्चर को जो डेटा मिलता है वो रॉ फॉर्म में होता है और इसके लिए ये जो डेटा रिसर्चर ने कलेक्ट करके लाया है वो डेटा क्लीन करना जो होता है वो काफी जरूरी होता है ताकि वो डेटा के अंदर कोई भी इनकन्सिस्टेंसीज न हो इनकन्सिस्टेंसी मतलब डेटा मैच नहीं कर रहा है प्रॉपरली और वो डेटा में कोई भी इनकम्प्लीटनेस ना हो मतलब वो डेटा आधा अधूरा हो ऐसा ना हो तो यहाँ पे जो डेटा क्लीन किया जाता है ताकि वो डेटा कंसिस्टेंट हो कंप्लीट हो ये प्रोसेस को यहाँ पे एडिटिंग बोला जाता है सो एडिटिंग की वजह से क्या होता है कि डेटा कंसिस्टेंट भी होता है और डेटा कंप्लीट भी होता है सो so, ये रॉ डेटा के क्लीनिंग के प्रोसेस को यहाँ पे एडिटिंग बोला जाता है न एडिटिंग की जरूरत क्यों होती है तो कभी कभी क्या होता है जो रिसर्चर्स होते हैं वो कोई क्वेश्चन पूछना भूल जाते हैं मतलब अगर सपोज आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो और वो इंटरव्यू के अंदर आपने सारे क्वेश्चन पूछे और उसमें से एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो अपने रिस्पोंडेंट को पूछना भूल गए तो उस केस में एडिटिंग करना जरूरी बनता है दूसरा चीज होता है कभी कभी क्या होता है कि रिसर्चर क्वेश्चन तो पूछते हैं लेकिन उसको रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं तो उस केस में भी यहाँ पे एडिटिंग किया जाता है कभी कभी क्या होता है कि जो रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो पूरा क्वेश्चनअर भरते नहीं है ही क्वेश्चनअर भरते हैं या कुछ क्वेश्चन को स्कीप कर देते हैं तो उसमें एडिटिंग किया जाता है और फिर बाद में रिस्पोंडेंट जो होते हैं वो काफी इलिजिबल लिखते हैं इलिजिबल का मतलब क्या होता है कि उनका जो हैंड राइटिंग है वो समझ में नहीं आता है तो उसकी वजह से भी यहाँ पे एडिटिंग करना जरूरी होता है तो ये चार रीजन है जिसकी वजह से एडिटिंग करना काफी जरूरी बन जाता है इस केस में क्या हो सकता है कि जो भी रिसर्चर है वो रिस्पोंडेंट को वापस से मिल सकते हैं या उनको कॉल कर सकते हैं और उनके पास से जो भी उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा था या फिर जो भी क्वेश्चन का आंसर उन्होंने नहीं लिख के लिया था वो आंसर उनसे पूछ सकते हैं या फिर रिस्पोंडेंट ने अगर कोई भी आंसर आधा दिया है या उसका कोई भी आंसर नहीं समझ में आ रहा है तो उसका क्लैरिफिकेशन जो है यहाँ पे रिसर्चर रिस्पोंडेंट से ले सकते हैं न यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताया हुआ है एडिटिंग का सपोज एक क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मच रेड चिली डू यू यूज इन अ मंथ तो वहां पे रिस्पॉन्डेंट जो है उन्होंने आंसर दिया फोर के अभी एक फैमिली के लिए एक महीने में फोर के जी रेड चिली पाउडर कंज्यूम करना पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे ऑब्वियसली रिस्पॉन्डेंट जो है उन्होंने आंसर लिखना चाहता जीरो पॉइंट फोर किलो मतलब पाव किलो पर गलती से उन्होंने 0.4 पॉइंट फोर जगह पे फोर के लिखा तो उस केस में वो डेटा को क्या करना पड़ेगा एडिटिंग करना पड़ेगा तो यहाँ पे रिसर्चर जो है वो रिस्पोंडेंट को वापस से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके पास से ये आंसर जो है वो कंफर्म कर सकते हैं उसको यहाँ पे एडिटिंग बोला जा सकता है और यहाँ पे दूसरा एक एग्जाम्पल दिया है कि कभी कभी रिस्पोंडेंट जो होते हैं वो किसी क्वेश्चन को रिस्पोंड करते समय डोंट नो करके लिखते हैं और फिर जो रिसर्चर होते हैं उसको नो रिस्पॉन्स करके एडिट करते हैं तो ये गलत है ना यहाँ पे या शायद तक ऐसे हो सकता है कि जो भी रिस्पोंडेंट है उसने डोंट नो क्यों लिखा बिकॉज उसको वो आंसर के बारे में श्योर नहीं है या फिर उसका डबल माइंड है मतलब वो कंफ्यूज है या कभी कभी रिस्पोंडेंट को ऐसे लगता है कि ये क्वेश्चन काफी पर्सनल है और उसकी वजह से वो उसका आंसर नहीं देना चाहते हैं इसके लिए उन्होंने डोंट नो करके लिखा और अगर रिसर्चर यहाँ पे नो रिस्पॉन्स करके लिख रहा है इट मीन्स की यहाँ पे रिसर्चर क्या बताना चल रहा है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में पता नहीं है तो इस तरीके से ये जो एग्जाम्पल से इसमें हमने देखा कि पहला एग्जाम्पल के अंदर जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने एरर किया था मतलब उन्होंने आंसर जो था वो रॉन्ग लिखा था और दूसरे एग्जाम्पल में भी हमने देखा था कि जो रिस्पोंडेंट है उनको कहना कुछ और था और उन्होंने उसका रिस्पॉन्स जो है कुछ और दिया सो जब भी डेटा के अंदर ऐसे कोई भी एरर्स वगैरह होते या इनकम्प्लीटनेस वगैरह होता है तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं एक तो वो क्वेश्चनअर कंप्लीट है कि नहीं वो एक बार रिसर्चर को यहाँ पे चेक करना चाहिए और दूसरा वो जो क्वेश्चनअर है उसके जो भी रिस्पॉन्स रिस्पॉन्डेंट ने दिए हुए हैं उनका इंटरनल कंसिस्टेंसी को एक बार चेक करना चाहिए जैसे हमने देखा कि उन्होंने रिस्पॉन्स दिया था कि वो एक महीने में फोर के जी चिली पाउडर कंज्यूम करते हैं तो यहाँ पे ये इंटरनल कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है तो उसके लिए वो डेटा को फिर एडिट करना पड़ेगा उसके लिए रिसर्चर क्या कर सकते हैं वो रिस्पोंडेंट को वापस से कांटेक्ट कर सकते हैं और वो जो इनकंसिस्टेंसी उसको करेक्ट कर सकते हैं या फिर अगर किसी रिस्पोंडेंट ने डोंट नो करके आंसर लिखा तो उस केस में रिसर्चर वो रिस्पोंडेंट को कांटेक्ट करके उनके पास से वो आंसर जो है वो कंफर्म कर सकते हैं तो ये जो प्रॉब्लम्स होते हैं डेटा कलेक्ट करने के बाद में इनको कम करने के लिए रिसर्चर जो है वो एक बार जो भी रिसर्च का क्वेश्चन उसकी कंप्लीटनेस चेक करे उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी चेक करे ताकि उनको एक्यूरेट डेटा जो है मिलने में हेल्प हो अभी यहाँ पे दो टाइप के एडिटिंग होते हैं पहला होता है फील्ड एडिटिंग फील्ड एडिटिंग का मतलब क्या होता है कि रिसर्चर जब फील्ड पे होते हैं तभी वो क्वेश्चन को गो थ्रू करते हैं और प्रॉपर आंसर है कि नहीं कम्प्लीट क्वेश्चन करेक्शन होगा तो वो लोग क्या कर सकते हैं वहां पे ही रिस्पोंडेंट को वो क्वेश्चन के आंसर के बारे में कंफर्मेशन पूछ सकते हैं और उसको फिर वहां पे ही वो एडिट कर सकते हैं जैसे कि सपोज आप एज अ रिसर्चर किसी रिस्पोंडेंट के पास से डेटा कलेक्ट करने के लिए गए हैं उनको आपने क्वेश्चनर दिया और उन्होंने वो भर के आपको वापस किया, और वो क्वेश्चन को कोई भी दिखती है कोई भी इनकम्प्लीटनेस दिखता, दिखता है तो आप लोग उसके बारे में वो जो, उनके साथ करके, जो भी उसके अंदर एरर है उसको आप करेक्ट करवा सकते हैं उसको फील्ड एडिटिंग बोलते हैं और दूसरा होता है सेंट्रल एडिटिंग सेंट्रल एडिटिंग में क्या होता है कि जो भी रिसर्चर है वो रिस्पोंडेंट के पास से क्वेश्चन को कलेक्ट करते हैं और उसको ऑफिस में लेके आते हैं और ऑफिस में लेके आने के बाद में उसको स्क्रूटिनाइज करके उसके अंदर कोई भी डेफिशिएंसी होगी तो उसको वो चेक करके करेक्ट करते हैं तो इस तरीके से दो टाइप का एडिटिंग होता है पहला है फील्ड एडिटिंग जहां पे रिसर्चर जो है वो रिस्पोंडेंट से क्वेश्चनर कलेक्ट करने के बाद में ऑन द स्पॉट उसको एडिटिंग करते हैं और दूसरा सेंट्रल एडिटिंग जहां पे रिसर्चर जो है वो सारे क्वेश्चन को ऑफिस में लेके आने के बाद में उसको एडिटिंग करते हैं तो ये पहला स्टेज था डेटा प्रोसेसिंग का दूसरा डेटा प्रोसेसिंग का स्टेज है डेटा कोडिंग नाउ डेटा कोडिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी क्वेश्चनर होता है उसके अंदर जो भी रिस्पॉन्सेस होते हैं उसको कुछ नंबर या सिम्बल जो होता है वो असाइन करना जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जेंडर है तो जेंडर के लिए यहाँ पे मेल के लिए वन कोड असाइन किया है और फीमेल के लिए टू कोड असाइन किया है सेम यहाँ पे ईयर के लिए भी कुछ कोड जो है वो असाइन किए हुए हैं तो इस तरीके से ये यह यहाँ पे जो कोड दिए जाते हैं या दूसरा कोई भी सिंबल या कलर वगैरह यूज किया जाता है उसी को यहाँ पे कोडिंग बोला जाता है अभी कोडिंग क्यों जरूरी होता है तो यहाँ पे पूरा मेल लिखने के जगह पे हम लोग वन लिख सकते हैं और उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वन रिस्पॉन्स मतलब क्या है मेल है या पूरा फीमेल लिखने के जगह पे हम लोग यहाँ पे टू रिस्पॉन्स से फाइंड आउट कर सकते हैं कि टू मतलब क्या है फीमेल है या फिर यहाँ पे ग्रेजुएट स्टूडेंट ये पूरा लिखने के जगह पे यहाँ पे हम लोग उसको सिक्स नंबर असाइन कर सकते हैं तो हमको पता चलेगा कि ईयर ये क्वेश्चन के अंदर सिक्स का मतलब क्या हो गया ग्रेजुएट स्टूडेंट नो यहाँ पे कोडिंग जो होता है वो जरूरी क्यों होता है तो पहले कैसे होता था कि कंप्यूटर्स वगैरह नहीं होते थे या सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं होते थे तो उस केस में क्या होता था कि रिसर्चर जो है वो डेटा कलेक्ट करके लाते थे और वो डेटा को उनको एक पेज के ऊपर प्रेजेंट करना पड़ता था क्योंकि वो डेटा को वो प्रॉपरली प्रोसेसिंग कर पाए और फिर वो डेटा का अनालिसिस कर पाए तो बार बार वो रिस्पॉन्सिस को लिखना वो रिसर्चर के लिए काफी टाइम कंज्यूमिंग होता था जैसे कि पहला क्वेश्चन है उसके अंदर जेंडर में मेल पे टिक किया था तो रिसर्चर वहां पे मेल करके पेपर पे लिखते थे फिर दूसरा क्वेश्चन ईयर के लिए है तो वहां पे ग्रेजुएट स्टूडेंट करके टिक किया हुआ है तो वहां पे वो रिसर्चर ग्रेजुएट स्टूडेंट करके लिखेंगे तो इतना सब कुछ लिखने के जगह पे वो जो रिस्पोंडेंट्स है वो सिंपली क्या करते थे ये जो कोड नंबर है वो लिखते थे जैसे जेंडर के क्वेश्चन के लिए वन लिख दिया ईयर के लिए उन्होंने सिक्स लिख दिया तो उसमें क्या हो रहा है रिसर्च का टाइम बच रहा है और प्लस क्या होता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे SPSS करके एक सॉफ्टवेयर है जहां पे आपको कोडिंग करना कंपल्सरी होता है बिकॉज़ कोडिंग वजह से क्या होता है वो डेटा का एनालिसिस करना ईजी होता है ओके okay? मतलब सिंपली आप लोग एक्सेल के अंदर ये सब लिख के देखना इसका आपको एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं होगा जैसे आपको अगर मीन निकालना है मीडियम निकालना है मोड वगैरह फाइंड आउट करना है तो ये सब के ऊपर आप लोग वो जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है वो पॉसिबल नहीं होता है पर उसको आप लोग वन टू थ्री में कन्वर्ट करोगे तो वो आपको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके उसका रिजल्ट जो है वो फाइंड आउट करने में हेल्प करता है तो इस तरीके से कोडिंग की वजह से क्या हो रहा है कि रिसर्चर जो है उनको बार बार वो रिस्पॉन्स जो है मेंशन नहीं करना पड़ेगा सिंपली वो वहां पे कोड लिख सकते हैं और दूसरा डेटा एनालिसिस करने के लिए भी एक कोडिंग जो होता है काफी ज्यादा यूजफुल होता है तो कोडिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी क्वेश्चनर है उसके अंदर जो भी रिस्पॉन्सेस है उसको सिंबल या नंबर्स वगैरह असाइन करना तो ये आपका जब भी बन के रेडी हो जाएगा तो हर एक क्वेश्चन के लिए आप लोग क्या कर सकते हो कुछ कोड दे सकते हो जैसे वन टू करके दे सकते हो या ए बी सी डी करके दे सकते हो सो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको नंबर्स देने हैं या कुछ सिंबल्स देने हैं सो हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे कोडिंग स्कीम बनाया जाता है कोडिंग जो होता है वो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि कुछ लेटर्स हो सकते हैं ए बी सी डी करके या कुछ नंबर्स हो सकते हैं वन टू थ्री फोर करके और कुछ लोग जो होते हैं कलर से भी कोडिंग कर सकते हैं तो कोडिंग के यहाँ पे अलग अलग तरीके हो सकते हैं ना ये जो कोडिंग स्कीम यहाँ पे बनाया जाता है उसके अंदर जो भी सिम्बल असाइन किया है वो और उसका जो प्रॉपर कोई भी इंस्ट्रक्शन वगैरह होगा वो ये सबको एक कोडबुक होता है उसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है कोड बुक मतलब इस तरीके से आप लोग एक कोडबुक बनाते हो जैसे कि सपोज ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन है नो no, और बी ऑप्शन है येस yes. तो आपने ए के लिए यहाँ पे क्या किया वन कोड दिया है और बी के लिए आपने यहाँ पे टू कोड दिया है फिर दूसरा क्वेश्चन है वहां पे ए बी सी डी करके रिस्पॉन्स है तो यहाँ पे ए के लिए वन बी के लिए टू सी के लिए थ्री और डी के लिए फोर तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि ये जो हमने कोडिंग स्कीम बनाया है उसके अंदर क्या सिंबल यूज किया है वो और अगर कोई इंस्ट्रक्शन होगा वो उसको रिसर्चर्स क्या करते हैं एक कोड बुक होता है उसके अंदर मेंशन करते हैं सो so, हर एक जो वेरिएबल है या हर एक जो रिस्पॉन्स है उसके लिए यहाँ पे क्या किया है कुछ कोड नंबर असाइन किया हुआ है अगर सपोज ये डेटा को हम लोग को कंप्यूटर के अंदर शिफ्ट करना है या एक्सेल के अंदर अगर हम लोग को ये डेटा को फीड करना है तो वहां पे फिर क्या होता है ये कोडबुक काफी ज्यादा यूजफुल होता है जैसे कि एक्सेल के अंदर हम लोग ये पूरा रिस्पांस नहीं लिखेंगे हम लोग सिर्फ वहां पे क्या करेंगे वन और टू करके लिखेंगे तो वन और टू से हमको पता चलेगा कि वन का मतलब है नो no, और टू का मतलब है यस yes. तो वहां पे हम लोग को पूरे के पूरे सेंटेंसेज है कंप्यूटर है में मेंशन करना नहीं पड़ेगा हम वहां पे सिर्फ कोड को मेंशन करेंगे और अगर हम लोग को कुछ कंफ्यूजन हुआ तो ये कोड बुक को हम लोग यहाँ पे रिफर कर सकते हैं और हमको फिर पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन है और उसका जो कोड हमने असाइन किया वो कोड का मतलब क्या है तो इस तरीके से यहाँ पे रिसर्चर क्या कर सकते हैं कि जो भी कोड है उसके लिए वो लोग ऐसे कोड बुक बना के रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में जब भी वो लोग वो डेटा को रिफर करेंगे तो उनको कंफ्यूजन ना हो कि स yes के लिए वन कोड असाइन किया था या नो no के लिए वन कोड असाइन किया था तो ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है तो इसके लिए रिसर्चर क्या करते हैं कि के अंदर कोड असाइन करते हैं और उसके लिए एक कोड बुक बना के रखते हैं और ये डेटा को वो लोग फिर क्या कर सकते हैं कंप्यूटर में वो कोड के हिसाब से शिफ्ट कर सकते हैं अभी किस तरीके से कोडिंग होता है उसका यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताया हुआ है फॉर एग्जाम्पल ये एक क्वेश्चन है जिसमें एज पूछा है मैरिटल स्टेटस मंथली इनकम

के 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 लिए 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 दिया 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 है, है है। और not satisfied के लिए S4 दिया हुआ है। तो इस तरीके से जैसे कि एज जो है वो ए से ई e कॉलम में दिया है मतलब ए कॉलम के अंदर ट्वेंटी वन टू थर्टी मतलब one होगा बी कॉलम के अंदर थर्टी वन टू फोर्टी मतलब टू कोड होगा सी कॉलम के अंदर फोर्टी वन टू फिफ्टी मतलब थ्री कोड होगा डी कॉलम के अंदर फिफ्टी वन टू मतलब फोर कोड होगा और ई e कॉलम के अंदर एंड मतलब फाइव कोड होगा तो हमको देखो ये कोड बुक के ऊपर से सब कुछ पता चल रहा है कि कौन से ऑप्शन के लिए हमने कौन सा कोड यूज किया है और कंप्यूटर के अंदर कौन से कॉलम के अंदर कौन सा ऑप्शन जो है वो वहां पे मेंशन किया है तो इस तरीके से ये कोड बुक जो होता है वो बनाया जाता है अभी कुछ रिसर्चर जो होते हैं वो कोड असाइन कर भी सकते हैं कुछ लोग नहीं भी कर सकते हैं और अगर आप लोग कोड असाइन कर रहे हो तो उसके लिए आप लोगों को ऐसा कोड बुक बना के रखना जरूरी होता है सो so, ये हमारा डेटा प्रोसेसिंग का सेकेंड स्टेज हो गया डेटा प्रोसेसिंग में जो थर्ड स्टेज होता है वो है क्लासिफिकेशन ना क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है तो जो भी हमारा रिसर्च डेटा होता है उसको कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे या कुछ कॉमन फीचर के बेसिस पे उसके अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते हैं या उसको अलग अलग क्लासेस में अरेंज किया जाता है तो उसको यहाँ पे क्लासिफिकेशन बोलते हैं यहां पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो कि रिसर्चर ने कुछ डेटा कलेक्ट किया है और वो डेटा को रिसर्चर ने दो ग्रुप में डिवाइड किया है एक है अर्बन पॉपुलेशन का डेटा और दूसरा है विलेज पॉपुलेशन का डेटा और वो डेटा को भी फिर बाद में उन्होंने मेल और फीमेल में फर्दर डिवाइड किया हुआ है तो यहां पे क्या हुआ है कि कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ये ग्रुप बना है जैसे ये अर्बन पॉपुलेशन है तो अर्बन पॉपुलेशन होंगे तो ऑब्वियसली उनके कैरेक्टरिस्टिक थोड़े बहुत सेम होंगे ये विलेज पॉपुलेशन है तो इनके कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे तो इस तरीके से कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे रिसर्चर ने यहाँ पे दो ग्रुप बनाए हैं या दो क्लासेस में ये डेटा को अरेंज किया हुआ है इसी को यहाँ पे क्लासिफिकेशन बोलते हैं जब भी डेटा रॉ होता है तो वो डेटा अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसको इतना इजीली अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता है और प्लस वो डेटा का फर्दर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना डिफिकल्ट होता है जैसे कि आपने किसी क्वेश्चन फॉर्म में डेटा कलेक्ट किया है तो जब तक आप वो डेटा को एक्सेल में या किसी सॉफ्टवेयर में फीड नहीं करते हो वो डेटा को आप अनालिस नहीं कर सकते हो बिकॉज आपके पास जो पेपर के फॉर्म में डेटा है उसको आपको कितने लोग हाँ बोल रहे हैं कितने लोग ना बोल रहे हैं, या कितने लोग अर्बन के हैं, कितने लोग विलेज से बिलोंग करते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाएगा या कितने लोग सैटिस्फाइड है कितने लोग डिससेटिस्फाइड है इसका एनालिसिस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो रॉ डेटा जो होता है उसको अंडरस्टैंड करना भी डिफिकल्ट है प्लस रॉ डेटा का करना करना और इंटरप्रिटेशन भी यहां पे पॉसिबल होता नहीं है लेकिन जब क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा किया जाता है तो उसकी वजह से यहाँ पे कंपैरिजन करना और एनालिसिस करना इजी हो जाता है जैसे कि रिसर्चर ने यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन और विलेज पॉपुलेशन इस तरीके से डेटा को क्लासिफाई किया तो अर्बन पॉपुलेशन में कितने लोग सैटिस्फाइड है विलेज में कितने लोग सेटिस्फाइड है ये कंपेरिजन करना ये एनालिसिस करना यहाँ पे इजी हो जाता है तो रॉ डेटा जो होता है उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना डिफिकल्ट होता है लेकिन जब डेटा को क्लासिफाई किया जाता है तो उसका इजीली यहाँ पे एनालिसिस करके इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है नाउ जो भी डेटा आप लोग कलेक्ट करते हो तो वो डेटा का जो पॉपुलेशन होता है उसको आप अलग अलग तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हो या क्लासिफाई कर सकते हो जैसे हम लोग ने यहाँ पे एरिया के बेसिस पे देखा कि अर्बन और विलेज में पॉपुलेशन को डिवाइड किया है उसी तरीके से जेंडर के बेसिस पे भी पॉपुलेशन को डिवाइड किया जा सकता है जैसे यहाँ पे किया हुआ है ऑलरेडी मेल और फीमेल या एज के बेसिस पे पॉपुलेशन को यहाँ पे डिवाइड किया जा सकता है जैसे कि ट्वेंटी से कम वाले एज फिर बाद में ट्वेंटी वन टू थर्टी एज भी यहाँ पे पॉपुलेशन को क्लासीफाई किया जा सकता है फिर मैरिटल स्टेटस जैसे की मैरिड पीपल अनमेरिड पीपल एंड देन सेपरेटेड पीपल तो इस तरीके से क्या हो सकता है डेटा को यहाँ पे अलग अलग बेसिस पे ग्रुप किया जा सकता है या अलग अलग क्लासेस में उसको डिवाइड किया जा सकता है तो उसी को यहाँ पे क्लासीफिकेशन बोलते हैं क्लासिफिकेशन के बेसिकली यहाँ पे दो तरीके होते हैं जिसमें सबसे पहला है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एट्रीब्यूट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है कुछ क्वालिटीज के हिसाब से यहाँ पे पॉपुलेशन को डिवाइड किया जा सकता है न एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है तो कोई क्वालिटीज तो यहाँ पे जो भी डेटा है उसको क्वालिटी के हिसाब से डिवाइड किया जा सकता है न यहाँ पे डेटा जो होता है वो या तो डिस्क्रिप्टिव हो सकता है या न्यूमरिकल हो सकता है डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है कि जैसे कि लिटरेसी हो गया जेंडर हो गया रिलीजन हो गया सेटिस्फेक्शन लेवल हो गया लाइकिंग हो गई लोगों की तो ये सब डिस्क्रिप्टिव डेटा है मतलब ये नंबर के फॉर्म में नहीं है और दूसरा होता है न्यूमरिकल डेटा नॉन न्यूमरिकल डेटा मतलब क्या जैसे कि नंबर फॉर्म में हो सकता है जैसे वेट हो गया हाइट हो गया इनकम हो गया तो जो भी डेटा होता है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो सकता है या न्यूमरिकल फॉर्म में हो सकता है डिस्क्रिप्टिव मतलब क्या जहाँ पे नंबर्स नहीं होते हैं जैसे लिटरेसी जेंडर रिलीजन लाइकिंग सैटिस्फेक्शन लेवल ये सब डिस्क्रिप्टिव डेटा हो गया और न्यूमरिकल डेटा मतलब क्या जो नंबर के फॉर्म में होता है जैसे कि वेट हाइट इनकम तो इस तरीके से डेटा यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव या न्यूमरिकल हो सकता है अभी हम लोग एट्रीब्यूट के हिसाब से कैसे फर्दर क्लासिफिकेशन होता है वो देखते हैं तो यहाँ पे पहला हो सकता है सिंपल क्लासिफिकेशन जहाँ पे सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट होता है जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि एमबीए डिग्री तो कितने लोगों ने एमबीए डिग्री किया है स और नो तो यहाँ पे रिसर्चर क्या कर रहे हैं एक ही है एट्रीब्यूट को कंसिडर कर रहे हैं और ये डेटा को दो क्लासेस में डिवाइड किया जा रहा है एक है यस yes वाला और दूसरा है नो no वाला तो इसको हम लोग सिंपल क्लासिफिकेशन बोलेंगे दूसरा हो सकता है मेनीफोल्ड क्लासिफिकेशन ना मेनिफोल्ड क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट जो होते हैं वो कंसिडर किए जाते हैं और फिर डेटा को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है जैसे एम बी ए डिग्री और बी एस सी डिग्री ऐसे यहाँ पे दो एट्रीब्यूट है फिर बाद में इसको फर्दर क्लासीफाई किया हुआ है कि कितने लोगों ने एम किया है और कितने लोगों ने एम नहीं किया है या कितने लोगों ने बी किया है और कितने लोगों ने बी नहीं किया है अगेन इसको फर्दर डिवाइड किया जा रहा है कि येस yes में कितने मेल है और कितने फीमेल है नो no में कितने मेल है और कितने फीमेल है सेम तरीके से बीएससी के लिए भी येस yes में कितने मेल है और कितने फीमेल है और नो no में कितने मेल है और कितने फीमेल है तो ये क्या हो गया मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन हो गया सो so, एट्रीब्यूट के हिसाब से डेटा का सिंपल क्लासिफिकेशन हो सकता है जहां पे एक ही एट्रीब्यूट जो होता है वो कंसिडर किया जा सकता है और मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन हो सकता है जहाँ पे दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट को कंसिडर किया जा सकता है और दूसरा क्लासिफिकेशन का टाइप है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द क्लास इंटरवल्स क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है तो जो भी क्वांटिटेटिव डेटा होता है क्वांटिटेटिव डेटा मतलब क्या नंबर के फॉर्म में जो डेटा होता है जैसे कि किसी की इनकम या एज या वेट या फिर टैरिफ मतलब क्या टैक्स रेट या फिर प्रोडक्शन ये सब डेटा को रिसर्चर यहाँ पे क्लास इंटरवल के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो कि इनकम को यहाँ पे क्लास इंटरवल के बेसिस पे डिवाइड किया है जैसे पहला इनकम है रुपीज वन टू टू दूसरा इनकम का ग्रुप है To 3000, और तीसरा का है है तो इस हिसाब से पे क्या किया हुआ है? के तीन हैं और फिर उसके सामने उसकी फ्रिक्वेंसी लिखी हुई है फ्रीक्वेंसी मतलब क्या नंबर ऑफ टाइम्स जैसे वन थाउजेंड वन टू टू थाउजेंड के बीच में कितने लोग हैं तो टेन लोग हैं टू थाउजेंड वन टू थ्री थाउजेंड के बीच में कितने लोग हैं तो एट पीपल आदे फिर थ्री थाउजेंड वन टू फोर थाउजेंड के बीच में कितने लोग हैं तो टू पीपल आ गए तो इनकम है उसको अलग अलग ग्रुप में या अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है और इसके लिए इसको क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इंटरवल बोलते हैं और ये जो ग्रुप्स किए हैं वो भी कैसे क्लास इंटरवल से किए क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है एक पर्टिकुलर रेंज जैसे कि यहाँ पे ये इनकम के हिसाब से वन थाउजेंड वन टू टू थाउजेंड या टू थाउजेंड वन टू थ्री थाउजेंड से एज के साथ भी हो सकता है जैसे ट्वेंटी टू थर्टी एज थर्टी वन टू फोर्टी एज फोर्टी टू फिफ्टी एज फिफ्टी टू सिक्सटी एज इस हिसाब से भी यहाँ पे एज का भी क्लास इंटरवल बनाया जा सकता है सो क्लास इंटरवल्स का मतलब क्या होता है पर्टिकुलर रेंज मतलब ये नंबर से ये नंबर तो उस हिसाब से यहाँ पे डेटा को ग्रुप किया गया है इसके लिए इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द क्लास इंटरवल और फिर उसके सामने रिसर्चर जो फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर क्लास इंटरवल के फ्रीक्वेंसी कितनी है या उस क्लास इंटरवल में कितने लोग आते हैं या दूसरे क्लास इंटरवल में कितने लोग आते हैं तो इस हिसाब से यहाँ पे क्लासिफिकेशन जो होता है वो क्लास इंटरवल के थ्रू भी किया जा सकता है सो so बेसिकली हमने देखा कि क्लासिफिकेशन जो होता है वहां पे डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में या अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है और ये क्लासिफिकेशन जो होता है वो एट्रीब्यूट के के हिसाब से भी हो भी हो हो सकता सकता है है प्लस क्लास इंटरवल थ्रू नाउ डेटा प्रोसेसिंग में फोर्थ स्टेज होता है टेबुलेशन टैबुलेशन का मतलब क्या होता है जो भी रॉ डेटा होता है जो रिसर्चर ने क्वेश्चनर के थ्रू या किसी और मेथड के थ्रू कलेक्ट करके लाया है उसको समराइज किया जाता है और फिर उसकी समरी बना के उसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में डिस्प्ले किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है ताकि उसका फर्दर एनालिसिस किया जाए जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि सपोज रिसर्चर जो है उसने थर्टी लोगों का डेटा कलेक्ट किया और थर्टी लोगों का डेटा कलेक्ट करने के बाद में उसको उन्होंने क्या किया एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में प्रेजेंट किया मतलब उन्होंने पहले वो डेटा को क्लासीफाई किया एज के हिसाब से जैसे ट्वेंटीज के एज वाले कितने हैं थर्टीज के एज वाले कितने हैं फोर्टीज के एज वाले कितने हैं फिफ्टीज के एज वाले कितने हैं और फिर बाद में उन्होंने उसको मेल और फीमेल के हिसाब से भी डिवाइड किया और फिर बाद में उन्होंने देखा कि 20s के एज में फीमेल कितने हैं थर्टीज के एज में फीमेल कितने हैं थर्टीज के एज में मेल कितने हैं है. इस हिसाब से उन्होंने क्या किया ये डेटा को समराइज करके उसका एक कॉम्पैक्ट फॉर्म बनाया और फिर बाद में ये डेटा को वो क्या कर सकते हैं फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं अभी जब टैबुलेशन होता है तो यहाँ पे डेटा को कॉलम्स के हिसाब से और रो के हिसाब से अरेंज किया जाता है तो टेबल में बेसिकली क्या होते हैं कुछ कॉलम्स होते हैं और कुछ रोज होते हैं और उसमें वो को अरेंज किया जाता है ना ये टेबलेशन क्यों एसेंशियल होता है या क्यों जरूरी होता है तो इसकी वजह से जो स्पेस होता है वो कंजर्व होने में या सेव होने में हेल्प होता है क्योंकि जब भी हम लोग ये डेटा को लाइन फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो लाइन फॉर्म में क्या होता है वो ज्यादा स्पेस लेता है ओके पर टेबल फॉर्म में वो डेटा क्या होता है हम लोग का कम जगह लेता है जैसे कि सपोज ये डेटा को हम लोग लाइन फॉर्म में लिखेंगे तो शायद वो पूरा एक पेज हमारा ले लेगा पर उसी डेटा को अगर हम लोग ऐसे टेबल में प्रेजेंट करेंगे तो वो शायद हाफ पेज में हमारा डेटा प्रॉपर फिट हो सकता है या इवन हाफ से भी कम पेज में हम लोग वो डेटा को फिट कर सकते हैं तो टेबलेशन जो होता है वो क्या करता है स्पेस को सेव करता है और फिर यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेटरी या डिस्क्रिप्टिव मतलब डिटेल में कोई भी स्टेटमेंट वगैरह लिखने पड़ते नहीं है टेबुलेशन की वजह से डेटा का कंपैरिजन करना काफी इजी होता है जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ट्वेंटीज के एज में मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं या ट्वेंटीज के एज में मेल ज्यादा है या फीमेल ज्यादा है थर्टीज के एज में मेल ज्यादा है या फीमेल ज्यादा है, है, है तो टैबुलेशन की वजह से यहाँ पे ये जो डेटा है उसको कंपेरिजन करना ईजी होता है और फिर बाद में टेबुलेशन की वजह से ये जो डेटा है इसका स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन करना इजी होता है स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन मतलब क्या होता है ये डेटा का हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं जैसे यहाँ पे हम लोग मेल और फीमेल जो है उनका कोरिलेशन निकाल सकते हैं तो ये टेबल बनाया है इसके वजह से इसका स्टैटिस्टिकल अनालिसिस या स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन करना ईजी होता है तो इस तरीके से ये जो टेबल जो होता है वो काफी ज्यादा स्पेस जो होता है वो सेव करता है टेबल के वजह से कंपैरिजन करना इजी होता है और टेबल के वजह से स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना भी इजी होता है नाउ टेबल जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं एक होता है यूनिवेरिएट टेबल यूनि का मतलब क्या होता है वन तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल का टेबल हो सकता है जैसे कि यहाँ पे एरिया ऑफ हॉस्पिटल तो ये एक ही वेरिएबल है तो यहाँ पे अलग अलग एरियाज दिए हुए हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है जैसे कि ये एरिया में से कितने पेशेंट्स थे ये एरिया में से कितने पेशेंट्स ये एरिया में से कितने पेशेंट तो एक ही यहाँ पे क्या किया हुआ है वेरिएबल लिया हुआ है जो है एरिया और दूसरा टेबलेशन का टाइप हो सकता है जो है मल्टीवेरिएट टेबल जहाँ पे दो या दो से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं जैसे आप लोग यहाँ पे सैटिस्फेक्शन लेवल देख सकते हो तो यहाँ पे काफी सारे वेरिएबल्स है हॉस्पिटल के बारे में जैसे हॉस्पिटल का मेंटेनेंस हॉस्पिटल की रेगुलर क्लीनिंग हॉस्पिटल में जो बेडशीट्स होते हैं उसको रेगुलर चेंज किया जाता है कि नहीं हॉस्पिटल का क्वालिटी ऑफ फूड तो अलग अलग वेरिएबल्स लिए हैं और उसका लोगों को ओपिनियन यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश की है तो यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स से इसके लिए इसको मल्टीवेरिएट टेबल बोला जाता है तो दो टाइप के टेबल यहाँ पे बनाए जा सकते हैं एक होता है यूनिवेरिएट टेबल और दूसरा होता है मल्टीवेरिएट टेबल नो जब भी टेबल बनाए जाते हैं तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस या कुछ प्रिंसिपल्स याद रखना जरूरी होता है जैसे कि आप लोग जब भी, भी ब्लैक बुक वगैरह बनाओगे तो उसमें आप लोगों को टेबल जो होते हैं उसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं वो याद रखने हैं सबसे पहले होता है कि आपका टेबल जो होता है उसका नंबर लिखना काफी जरूरी है जैसे आपका फर्स्ट टेबल है तो टेबल नंबर वन सेकेंड है तो टेबल नंबर टू ये लिखना जरूरी है उसी के साथ साथ तो टाइटल लिखना भी जरूरी है कि टेबल किस चीज के बारे में है जैसे यहाँ पे लिखा है टेबल नंबर सिक्स और ये टेबल किसके बारे में है सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द मेंटेनेंस इन ई हॉस्पिटल तो यहाँ पे नंबर भी दिया है प्लस यहाँ पे टाइटल भी दिया है उसी के साथ साथ ये जो कॉलम्स होते हैं वो कॉलम्स के हेडिंग देने जरूरी है ताकि लोगों को पता चले कि ये कॉलम किस चीज का है ये कॉलम किस चीज का है तो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे कॉलम की हेडिंग देना जरूरी है और कॉलम के साथ साथ रोस की हेडिंग देना भी जरूरी है जैसे ये रो किसके बारे में है ये रो किसके बारे में है तो कॉलम और रो दोनों का भी यहाँ पे हेडिंग देना जरूरी होता है प्लस यहाँ पे अगर कॉलम में नंबर्स है तो उसका यूनिट ऑफ मेजर लिखना जरूरी है जैसे ये फिगर्स है तो ये फिगर्स थाउजेंड में है लैक्स में है तो वो लिखना जरूरी है जैसे कि आप लोग कंपनी के बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस देखते हो वहां पे वो लोग क्या लिखते हैं फिगर्स इन थाउजेंड या फिगर्स इन लैक्स यस ना तो यहाँ पे जो भी टेबल के अंदर फिगर्स दिए है उनका यूनिट ऑफ मेजर्स लिखना जरूरी है और एक और जरूरी चीज होता है सोर्स ऑफ डेटा ये जो टेबल है इसके अंदर जो आपने डेटा लिया हुआ है वो डेटा कहाँ से लाया है अगर वो प्राइमरी डेटा है तो प्राइमरी डेटा लिखना चाहिए अगर वो सेकेंडरी डेटा है तो वो सेकेंडरी डेटा कहाँ से लिया है जैसे कि सपोज आपने सेंसस रिपोर्ट में से कोई टेबल लिया हुआ है तो आपको वहां पे सोर्स सेंसस रिपोर्ट 2011 या जो भी ईयर का वो सेंसस रिपोर्ट होगा वो वहां पर लिखना पड़ेगा सो so बेसिकली ये टेबल कहाँ से लिया है उसका सोर्स आपको यहाँ पे मेन्शन करना है तो so, जब भी टेबल्स आप लोग बनाते हो तो उस समय पे टेबल का नंबर टेबल का टाइटल कॉलम का हेडिंग रो का हेडिंग और यूनिट ऑफ मेजर फिर बाद में सोर्सेस ऑफ डेटा ये लिखना जरूरी होता है फिर बाद में डेटा प्रोसेसिंग में जो लास्ट स्टेज होता है वो होता है ग्राफिक प्रेजेंटेशन ना ग्राफिक प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे डेटा जो होता है उसको विजुअली डिस्प्ले किया जाता है विजुअली मतलब क्या उसमें ग्राफ बनाए जाते हैं इसकी वजह से क्या होता है कि जो डेटा है वो काफी अट्रैक्टिव हो जाता है और इजीली वो समझ में भी आता है कोई भी पर्सन वो ग्राफ्स को देख के वो डेटा जो है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है और ग्राफ्स को देख के लोग अट्रैक्ट भी होते हैं सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उसको आप इजी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो प्लस यहाँ पे डेटा का कंपेरिजन भी ईजी हो सकता है जैसे आपने बार डायग्राम बनाया या फिर आपने पाई चार्ट बनाया तो वो पाई चार्ट के वजह से या बार डायग्राम के वजह से हम लोग डेटा को यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हैं जैसे कि सपोज हमने बार डायग्राम बनाया है मेल और फीमेल का तो हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं कि मेल ज्यादा है या फीमेल ज्यादा है या सेटिसफेक्शन लेवल का हमने यहाँ पे बार डायग्राम बनाया है तो उसमें से हम लोग देख सकते हैं कि लोग ज्यादा सेटिस्फाइड है या लेस सेटिसफाइड है तो डेटा को जब ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाता है तो उसका कंपेरिजन करना भी यहाँ पे ईजी हो जाता है और कंपैरिजन करके यहाँ पे जो रिसर्चर्स है वो डेटा का कंक्लूजन जो है इजीली और क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो डेटा क्या कहना चाहता है सो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है जो भी रिसर्च का डेटा होता है उसको विजुअली डिस्प्ले किया जाता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की वजह से डेटा अट्रैक्टिव भी होता है और इजिली अंडरस्टैंड भी हो सकता है ग्राफिक प्रेजेंटेशन की वजह से जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उसको सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करना पॉसिबल होता है प्लस पे डेटा का करके उसमें से कंक्लूजन फाइंड आउट करना और क्विक हो जाता है यहाँ पे अलग अलग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होते हैं वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका डेटा है उसके हिसाब से यहाँ पे अलग अलग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किए जा सकते हैं अभी कौन से कौन से टाइप के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो सकते हैं तो आप लोग ऐसे पाई चार्ट बना सकते हो फिर बाद में ऐसे आप लोग बार डायग्राम बना सकते हो उसके बाद में आप लोग यहाँ पे लाइन ग्राफ बना सकते हो या हिस्टोग्राम बना सकते हो तो ये ऐसे अलग अलग टाइप के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो सकते हैं जिसके थ्रू आप आपके डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो ना बेसिकली अभी तक हमने थ्योरेटिकल पार्ट देखा कि डेटा किस तरीके से प्रोसेसिंग किया जाता है जिसमें हमने एडिटिंग कोडिंग क्लासिफिकेशन टेबलेशन और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के बारे में थ्योरेटिकल पार्ट देखा अभी डेटा को किस तरीके से प्रोसेसिंग किया जाता है उसका थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट हम लोग देखते हैं जैसे कि सपोज रिसर्चर ने ये डेटा कलेक्ट किया हुआ है और ये डेटा किसके बारे में है तो जेंडर और उनका इन्वेस्टमेंट एवेन्यू मतलब जेंडर के हिसाब से वो लोग पे इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका डेटा पे कलेक्ट किया है तो सपोज यहाँ पे जेंडर का ये डेटा हमने कलेक्ट किया है उसके अंदर दो ऑप्शन थे मेल और फीमेल पर अगर सपोज किसी पर्टिकुलर रिस्पॉन्डेंट ने कुछ अलग ही वहां पे रिस्पॉन्स दिया है जो मेल या फीमेल कैटेगरी में नहीं आता है या ये पर्टिकुलर जेंडर के कैटेगरी में वो नहीं आता है तो ऑब्वियसली फिर वो डेटा को हम लोग को यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा और उसमें जो भी करेक्शन है या जो भी एरर है वो हम लोग को रेक्टिफाई करना पड़ेगा सो so, उसको हम लोग बोलेंगे एडिटिंग फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो पर्सन है उन्होंने यहाँ पे फिफ्टीन लिखा है तो ऑब्वियसली ये यह यहाँ पे क्या है गलत डेटा आया हुआ है तो उसको हम लोग को अभी करेक्ट करना पड़ेगा फिर बाद में ये डेटा को हम लोग कोडिंग भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था मेल के लिए हम लोग वन लिख सकते हैं और फीमेल के लिए हम लोग टू लिख सकते हैं सो वो कोडिंग हो गया फिर डेटा को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं जैसे मेल कितने हैं या फीमेल कितने हैं जैसे कि मेल और फीमेल फिर बाद में मेल में कितने लोग ट्रेडिशनल एवेन्यूज में इन्वेस्टमेंट करते हैं और कितने लोग मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं फीमेल में कितने ट्रेडिशनल एवेन्यूज में इन्वेस्टमेंट करते हैं और मार्केटिंग में कितने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो हमारा क्लासिफिकेशन हो गया अभी ये डेटा को किस तरीके से टेबुलेशन करना है तो सिंपल सा मैं आप लोगों को यहाँ पे डेटा का टेबुलेशन जो है वो एक्सेल में किस तरीके से करते हैं वो बताता हूँ तो यहाँ पे आप लोग बेसिकली क्या कर सकते हो इंसर्ट में जा सकते हो इंसर्ट में जाने के बाद में यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में पहला ऑप्शन है प्योर टेबल तो वहां पे प्योर टेबल के ऊपर आप क्लिक करोगे तो वापस से यहाँ पे प्योर टेबल और प्योर चार्ट ये आपको दो ऑप्शन आएंगे उसमें से हम लोग को टेबल बनाना है इसके लिए हम लोग प्योर टेबल का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे सो हमने ये प्योर टेबल का ऑप्शन सिलेक्ट किया अभी हम लोग को वो टेबल या उसका रेंज पूछ रहा है तो हम लोग ये पूरा जो रेंज है ये सिलेक्ट करेंगे जहां तक हमारा डेटा है फिर बाद में वो हम लोग को पूछेगा कि आपको ये कहाँ पे सेव करना है तो यहाँ पे आप लोग नए वर्कशीट के अंदर भी वो टेबल को सेव कर सकते हो या फिर ये जो आपका एग्जिस्टिंग वर्कशीट है उसके अंदर भी उसको सेव कर सकते हो तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एग्जिस्टिंग वर्कशीट और उसको फिर हम लोग ओके करेंगे ना ओके करने के बाद में ऐसी ये विंडो हमारे सामने आएगी तो हम लोग को क्या करना है कोई भी एक वेरिएबल जो होगा उसको हम लोग को पुल करके यहाँ पे लाना है और दूसरा जो है उसको हम लोग को पुल करके यहाँ पे और यहाँ पे लाना है तो ये देखो ये हमारा टेबल बन गया अभी ये टेबल को आप आपके हिसाब से एडिट कर सकते हो जैसे कि आपने इतना पोर्शन उसका कॉपी किया और उसको आप यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हो तो पेस्ट करते समय आपको क्या करना है यहाँ पे राइट क्लिक करना है और पेस्ट स्पेशल करना है और पेस्ट स्पेशल करने के बाद में आपको यहाँ पे कॉलम विड का ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके करना है और फिर बाद में यहाँ पे आपको डेटा को पेस्ट करना है क्योंकि ये डेटा के अंदर अगर आप लोग कुछ भी चेंजेस करने के लिए जाओगे तो वो चेंजेस करना आपको अलाउ नहीं करेगा पर यहाँ पे अगर आप लोग कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो जैसे आपको कलर देना है या आपको इसको सेंटर अलाइनमेंट करना है तो आप लोग इजीली कर सकते हो लेकिन ये जो प्योर टेबल बना था इसको हम लोग एडिटिंग करना मुश्किल होता है तो इसके लिए हमेशा क्या करने का कि जब भी हम लोग प्योर टेबल बनाते हैं तो उसको हम लोग को कॉपी करके पेस्ट स्पेशल करके कॉलम विथ सिलेक्ट करके फिर बाद में हम लोग को डेटा को वहां पे पेस्ट करना है और फिर जो भी हम लोग को यहाँ पे कलर्स वगैरह देना है या जो भी हम लोग को इसमें एडिटिंग करना है वो एडिटिंग हम लोग यहाँ पे इजिली कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे इसका कलर चेंज किया फिर मैंने इसके बॉर्डर्स वगैरह बनाए तो ये हमारा डेटा रेडी हो गया और फिर बाद में ये डेटा को हम लोग को जहां पे भी पेस्ट करना है हम लोग कर सकते हैं तो इस तरीके से जो डेटा हमने कलेक्ट किया था उसका हमने एडिटिंग करके कोडिंग करके उसको क्लासीफाई किया और उसमें से हमने टेबल बनाया अभी सेम तरीके से ये जो डेटा है इसका हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे उसके लिए हम लोग को वापस से इंसर्ट ऑप्शन में जाना है देन लेफ्ट हैंड साइड में जो प्योर टेबल है उसके ऊपर क्लिक करना है देन प्योर चार्ट के ऊपर अभी हम लोग को क्लिक करना है हम लोग को बनाने कहाव तो करना है, है, है नए वर्कशीट में या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में तो मैंने यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट ऑप्शन सिलेक्ट किया है फिर बाद में हम लोग इसको ओके करेंगे अभी हम लोग को सेम चीज करना है जेंडर को हम लोग को पुल करके यहाँ पे पेस्ट करना है और इन्वेस्टमेंट एवेन्यू को पुल करके हम लोग को यहाँ पे उसको पेस्ट करना है फिर ये देखो हमारा यहाँ पे ग्राफ भी रेडी हो गया तो आप लोग इस तरीके से डेटा का टेबल भी बना सकते हो उसमें से आप लोग ग्राफ भी बना सकते हो और ये हार्डली कुछ सेकेंड्स का काम होता है और इजी तरीके से और अट्रैक्टिव तरीके से आप लोग यहाँ पे टेबल भी बना सकते हो ग्राफ भी बना सकते हो अगर आप लोगों को ये टेबल का कलर वगैरह चेंज करना है या थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह चेंज करना है तो ईजिली आप लोग यहाँ पे वो भी कर सकते हो तो इजीली आप लोग यहाँ पे वो भी कर सकते हो और फिर बाद में यहाँ पे अगर आपको टाइटल चेंज करना है और फिर आपको यहां पे अगर टाइटल चेंज करना है तो टाइटल भी आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हो तो जो भी यहाँ पे एडिटिंग आपको करना है वो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो और फिर बाद में जहां पे भी आपको ये टेबल को पेस्ट करना है आप लोग इजीली उसको पेस्टिंग भी कर सकते हो तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि किस तरीके से डेटा का

उसकी वजह से आपका काफी सारा टाइम भी बच सकता है सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेटा प्रोसेसिंग ये मेरे यू आर एल है जहां से मैंने इमेजेस लिए है थैंक यू स्टूडेंट्स प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो